दीपांशु कितनी प्यारी ड्रेस है ना, मुझे भी एक ऐसी ड्रेस दिला दो प्लीज। ड्रेस तो अच्छी है ही, लेकिन फिगर कितनी सेक्सी है यार, क्या हाइट है। दीपांशु तुम ये क्या बोल रहे हो, मेरे सामने तुम किसी और की तारीफें कर रहे हो, ऐसे कमेंट पास कर रहे हो, और मेरी बेइज्जती। तो और क्या करूं मैं, तूने खुद को देखा है कभी, ये ड्रेस पहनेगी तू? ये ड्रेस ना तुझ जैसी लड़कियों के लिए नहीं बनी, ये ड्रेस उस लड़की के लिए बनी। मुझ जैसी लड़की मतलब? मतलब ये कि ये ड्रेस तुझ जैसी गवार के लिए नहीं बनी है। उस लड़की को तो देख, जो एक लड़की में होना चाहिए ना वो सब है उसके पास, क्लास है, ड्रेसिंग सेंस है। और रही बात उसकी तारीफ और तेरी बेइज्जती की, तो जिसकी गर्लफ्रेंड तेरी जैसी हो ना, उसकी मजबूरी हो जाती है ऐसे दूसरी लड़कियों को ताड़ना। मेरी जैसी मतलब? मतलब ये कि मुझे शर्म आती है तेरे साथ ऐसे कहीं घूमने में। शर्म आती है? तो शर्म तो मेरे साथ रहने में भी आती होगी ना, क्यों रहते हो मेरे साथ फिर? अच्छा, अरे मैं छोड़ के चला जाऊंगा तो रह लेगी मेरे बिना? दीपांशु ऐसे रहने से बेटर है ना तुम्हारे बिना ही रहूं मैं। ठीक है फिर, थैंक यू मेरा काम आसान करने के लिए। मतलब? मतलब ये कि मैं ना काफी टाइम से तुझे छोड़ना चाहता था, लेकिन कभी बोल नहीं पाया, लेकिन देखना तूने खुद ही बोल दी ये बात। तो अब मैं जाता हूँ, ध्यान रखियो अपना। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मेरा बॉयफ्रेंड मुझे छोड़ के चला गया। बट व्हाई? मैंने तुम्हें देखा, मैंने कहा मुझे इसकी ड्रेस बहुत अच्छी लगी है, मुझे भी ऐसी दिला दो। तो उसने कहा कि ऐसी ड्रेस तेरे जैसी लड़कियां नहीं पहनती, तेरे जैसी गवार नहीं पहनती, ऐसी ड्रेस उसी पर अच्छी लगती है। क्या सबके बॉयफ्रेंड्स ऐसे ही होते हैं? नहीं नहीं, बॉयफ्रेंड ऐसे नहीं होते हैं। बॉयफ्रेंड तो अपनी गर्लफ्रेंड का कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में हेल्प करते हैं, ताकि वो जो मर्जी पहन सके और कंफर्टेबल रहे। ऐसे बॉयफ्रेंड तो नहीं होते। तो मेरा बॉयफ्रेंड मुझे क्यों छोड़ के चला गया? उसने मुझे क्यों गवार कहा? मुझ में ऐसी क्या कमी है जो उसने मुझे छोड़ दिया? तुम में कोई कमी नहीं है, तुम परफेक्ट हो, तुम बस मेरे साथ चलो। पर कहाँ? तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हारी बेइज्जती की ना, तो उसे जवाब देना तो बनता है। तो हम तुम्हारे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जा रहे हैं, और ये ट्रांसफॉर्मेशन हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि तुम में कोई कमी है या तुम्हें चेंज होने की ज़रूरत है, सिर्फ उसको जवाब देने के लिए हम ये कर रहे हैं। मेरी वजह से तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है ना, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। पर चलो। हाँ ये तुम ही हो। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इतनी अच्छी भी लग सकती हूँ। तुम पहले भी अच्छी ही थी, बस तुम्हें थोड़ी सी ग्रूमिंग की जरूरत थी। वैसे अब तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? हाँ।
हेलो हेलो दीपांशु, मुझे तुमसे मिलना है। अरे यार, मुझे नहीं मिलना तुझसे। बस 5 मिनट के लिए, एक लास्ट टाइम प्लीज। ठीक है, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए आऊंगा। ओके, थैंक यू, गुड लक। अच्छा रिया, लिसन, थैंक यू सो मच। अगर आज तुम नहीं होती तो मैं वहाँ पर खड़ी होकर रोती रहती और खुद को कोसती रहती। थैंक यू सो मच। स्वरा, मुझे थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है। एक लड़की होने के नाते ये मेरा फर्ज था। अगर दूसरी कोई लड़की परेशान है तो मैं उसकी हेल्प करूँ, ठीक है? बाय। अरे कहाँ रह गई यार, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, आना है तो जल्दी आ। हाँ आ गई, पीछे मुड़ के देखो। भरत तुम? अरे अपना मुंह तो बंद करो। हाँ मैं। इतना चेंज एकदम से? चेंज? मैं कहाँ चेंज हुई हूँ, मैं तो बिल्कुल वैसी ही हूँ। नहीं यार, तुम पूरी तरह बदल गई हो, ट्रस्ट मी, यू आर लुकिंग हॉट। नहीं दीपांशु, मैं कहाँ चेंज हुई हूँ, चेंज हुई है तुम्हारी सोच, चेंज हुए हो तुम, मैं तो बिल्कुल ही वैसी हूँ। हाँ बस थोड़े कपड़े चेंज कर लिए, हेयर और थोड़ा मेकअप, बाकी जैसा तुम मुझे छोड़ कर गए थे ना, मैं बिल्कुल वैसी इंसान हूँ। स्वरा सॉरी ना यार, उस टाइम गुस्से में तुम्हें इतना उल्टा सीधा बोल दिया, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। और सुनो ना, हम दोनों फिर से स्टार्ट करते हैं ना अपने रिलेशन को। फिर से स्टार्ट? वो भी तुम्हारे साथ? कभी नहीं। जो इंसान एक दिन में 2 बार बदल जाए और जो मेरी रिस्पेक्ट ना करे, ऐसे इंसान के साथ मैं कभी नहीं रहूँगी दीपांशु। स्वरा आई एम सॉरी ना यार, एक चांस तो सबको मिलना चाहिए ना। दीपांशु मैं तुम्हें एक चांस ज़रूर देती अगर तुम मुझे एक्सेप्ट करते, ना कि मेरे लुक्स को। अभी भी तुम सिर्फ मेरे लुक्स को ही एक्सेप्ट कर रहे हो, तो तुम्हारे साथ अब और नहीं। गुड बाय। पता तो चल गया होगा ना, ये थप्पड़ क्यों मारा है मैंने।